मेरे प्रियजनों, एक बात याद रखो, राम जी के 12 गुणों में जिसके भी अंदर 1, 2 या 3 गुण न्यायप्रिय, कर्म प्रिय, धर्म प्रिय, 3 गुण न्यायप्रिय, कर्म प्रिय, धर्म प्रिय, यही गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो राम राज्य तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। लेकिन एक बात है, कहना सरल है, सुनना सरल है, चलना बड़ा कठिन है। कई लोग कह देते हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक है, सुनते नहीं, सुन भी लेते करते नहीं। जितने लोग कथा में बैठे उन्हें कथा में बढ़िया बात लग रही, हाँ गुरुजी सही कह रहे सही कह रहे, लेकिन जैसे ही कथा से उठते ठीक आई है अब कौन पढ़े, मानते नहीं। पर एक बात बोले, आज मानो ना मानो कल मानना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो परमानंद की भक्ति करनी ही पड़ेगी। किसकी भक्ति, बोलो 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 किसकी भक्ति। अच्छा एक बात हो, सुखी कौन कौन होना चाहता, हाथ उठाओ, होना चाहते हो बोलो जोर से बोलो। अगर सुखी होना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, सब सुख लहे सब सुख लहे तुम्हारी क्या। शरण में आ जाओ, जो शरण में आता है उसकी मरण नहीं होती है। किसकी शरण में, राम जी की या हनुमान जी की। सब सुख लहे हैं तुम्हारी शरण, सब सुख लहे हैं तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को चाहते हो तो एक काम करो, क्या राम राम करो, क्या करो राम राम। सुखी होने का यही मंत्र है, हनुमान जी की शरण में आ जाओ, जो हनुमान जी की शरण में आ जाएगा वो सुखी हो जाएगा। अच्छा महाराज जी शरण में आना क्या, शरण में आने का मतलब हनुमान जी के अलावा आपके चित्त में कोई चिपके ना, और जो काम है वो हनुमान जी से, जो बात है वो हनुमान जी से, जो बल है वो हनुमान जी का, जो हो रहा वो हनुमान जी के कारण हो रहा, और जो होगा वो भी हनुमान जी के कारण होगा, ऐसा भाव मन में बन जाना ही शरणागति हो जाना है। और ऐसा व्यक्ति फिर सुखी पाता है, क्यों, जो सतबार हनुमान चालीसा पढ़ो तो चौपाई आती है, जो सतबार पाठ कर कोई, जो सतबार पाठ कर कोई, होता क्या छूट है बंदी महासुख होई। क्या क्या बोलो 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 बोलो, छूट है बंदी सुख के बाप का नाम है महासुख। क्या नाम है, अच्छा एक बात बताओ, सुख के बाप का नाम महासुख, और ये महासुख क्या है, महासुख सुख, सुख का मतलब दुखी ना होना, और महासुख का मतलब कभी दुख जीवन में ना आना। तो कौन कौन महासुख पाना चाहता, अगर आप महासुख पाना चाहते तो मेरे पागलों बड़हलगंज के लोगों, एक ही उपाय है, आज ही कथा में प्रण ले लो तो जब तक जिएंगे हनुमान जी के चरणों के दास होकर के रहेंगे,
और अगर आपने प्रण ले लिया आज से हमारी जिंदगी हनुमान जी के हवाले, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे पागलो तुम्हारी जिंदगी में चार चांद ना लग जाए तो कह देना। हाँ बोलो जय सियाराम। लेकिन हाँ हनुमान जी के हो गए फिर गड़बड़ मत कर देना, मुड़ मत जाना, वरना बाप बाप होता है बेटा बेटा होता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी जगत के बाप है, राम जी जगत के बाप है, अगर तुम मुड़ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे समझो। एक बार एक लड़का बड़हलगंज का लड़का गणित सीख कर घर आया, गणित सीख कर। उसने सोचा चलो माता जी को गणित का चमत्कार दिखाएं। माता जी ने मकर संक्रांति के नज़दीक तिल के दो लड्डू प्लेट में रखे, ले बेटा खा ले। बेटा बोला माँ ये कितने लड्डू हैं? माँ बोली दो हैं। बेटा बोला नहीं माँ हम तीन सिद्ध करके बताएंगे, तीन हैं। माँ बोली बेटा अब भले ही तुम सिद्ध तीन करो पर हैं तो दो। बेटा बोला गिनो। माँ ने गिने एक दो। बेटा बोला दो और एक तीन। माँ बोली बेटा पर लड्डू तो दो हैं। बेटा बोला तीन है, गिन के बताओ। माँ ने फिर गिना एक दो। बेटा बोला दो और एक तीन। वहीं बगल में बाप बैठा था, पिताजी बोले बेटा तू ठीक कह रहा, लड्डू दो नहीं तीन है, तेरी माँ मूर्ख है। बेटा को लगा हमारी गणित सफल हो गई, लेकिन बाप तो बाप होता है। बेटा बाप बोला बेटा एक काम करो, लड्डू तीन है, माँ मूर्ख है अनपढ़ है उसे क्या पता, पर एक काम करते हैं, एक लड्डू हम खा लेते, एक लड्डू तेरी माँ खा लेगी, तीसरा तू खा लेना। लो बताओ ठिकाने लग गए। बाप ने खा लिया, माँ ने खा लिया, अब बेटा से बेटा बोला हमें दो लड्डू। बाप बोला जो तीसरा वाला था वो कहाँ है, तीसरा वाला खाओ जो तीसरा था। बेटा बोला वो तो गणित का खेल है। बाप बोला यही हमारा खेल है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए कभी भी गुरु से वो बाप से नहीं भिड़ना चाहिए, गुरु गुरु होता बाप बाप होता। ऐसे ही एक बार दो चेले गुरुजी बैठे थे आसन पर, तखत पर, चौकी पर। उनसे कहा चेलों से तुलसी पत्ता ले आओ, तुलसी पत्ता। अब चेलों को जाना नहीं था शिष्यों को, तो एक दूसरे से बोले एक बात बताओ तुलसी का पत्ता होता कैसा है। दूसरा बोला है तुम्हें पता नहीं, लंबा लंबा केले जैसा। अब गुरुजी ने सोचा बड़े मूर्ख हैं, बताओ ये तुलसी पत्ता नहीं जानते। दूसरा बोला गुरुजी पीला होता है। गुरुजी समझ गए कि ये मूर्ख बना रहे हैं, जाना नहीं है। गुरुजी बोले बेटा तुम तुलसी पत्ता लेने मत चलो, हमारी चौकी उठाओ, हमें तुम बाग में ले चलो, हम तोड़ लेंगे। और जब चौकी उठाई पसीना मार गया, शरीर टूट गया। गुरुजी बोले बस यही रोक दो, यही तुलसी पत्ता है। फिर गुरुजी चेलों की तरफ देख के बोले अब ध्यान रहेगा तुलसी पत्ता। मन ही मन कहने लगे इससे अच्छा तो तुलसी पत्ता तोड़ लाते जो वजन उठा रहे। बाद में बोले गुरुजी दुनिया भूल जाएंगे पर कभी तुलसी पत्ता नहीं भूलेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। मेरे पागलो तुम्हें महासुख चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, तो एक ही काम करो, सब सुख लहे तुम्हारी सर। नाम महासुख, महासुख महासुख होता है। ये कैसे प्राप्त होगा? जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख। किसकी शरण में? आप
आप राम जी की या हनुमान जी की शरण में चले जाओ, गोरखपुर के पागलों लौट कर तुम्हें दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।